बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज है जी 7वां रोजा और अभी दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके हैं, तो रोजा जी बहुत ही लिहाज लग रहा था क्योंकि जी धूप वगैरह काफी अच्छी खासी आ रही है, सारा दिन जी धूप वगैरह आती है। और अभी मैं और साजिद के भाई और दोस्त आ गया, तो हम लोग जा रहे टूवल पर नहाने, गर्मी वगैरह लग रही थी तो दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि टूवल पर चलते हैं नहाने के लिए। तो अभी हम लोग जी हमें एक टूवल मिला, तो अभी हम लोग जी घर से निकल पड़े, हमें एक टूवल मिला तो उधर जाके नहाते हैं। तो साथ जी दोग भी आ गए, इसको भी नहलाएंगे जी, ये चेक करो जी, ये भी गर्मी महसूस कर रहा था। तो साथ जी दो भाई आ गए, तो अभी चलते हैं जी टूर पर नहाने के लिए। वैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह अब गर्मी आ गया तो लोगों ने गन्नों को पानी वगैरह लगाना भी शुरू कर दिया, ऐसा भी जी रोज कोई ना कोई एक दो टूवल जी चल जाता है। आप लोग जी आवाज महसूस कर रहे हो गए, अभी मेरे आस पास जी 3 टूवल चले हुए हैं, एक वो उधर सामने चला हुआ तो दो इधर सामने, अभी वो हौदी वाला एक टूवल है, ये खराब है तो उधर जी वो एक हौदी ठीक है, उधर जाके जी नहाते हैं। एक जी माशाल्लाह ये टूवल है तो आप लोग देख सकते हैं, इसके आगे जी हौदी वगैरह नहीं है, तो अभी एक ये सामने ये चलाओ जी, इधर चलते हैं। हम भी नहाएंगे और साथ जी डॉग को भी नहलाएंगे जी। डॉग को जी दोस्त उधर बांधने लगा, पहले हम लोग नहाएंगे बाद में जी डॉग को भी नहलाएंगे जी। तो कुछ ऐसा पाए भाई तुम्हें की करना, शर्ट मेरे लिए ब्रांड की पाई दी लड़के जी, माशाल्लाह फुली इंजॉय कर रहे क्योंकि जी धूप वगैरह बहुत ज़्यादा और साथ जी गर्मी वगैरह भी, तो रोजा जी ठंडा कर रहे अपना दोनों जी भाई। उठ पर नंगने जाई मैं भी लाना मकान छड़ी किया, तो अभी बारी आ गई डॉग की, ये जी डर है तो अभी इसको भी नहलाते हैं क्योंकि ये काफी गंदा हो गया जी ये। घर से हम लोग इसके लिए अलहदा जी सर्फ लेकर आया, इसको जी सर्फ से नहलाना, ये चेक करो जी ताकि अच्छी तरह ये भी साफ हो जाए, इसके बाल वगैरह काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चल ठीक है जवान नुमा ठीक है बार बार। अभी ती लत्ता बन पै जे, शेड़ पै गए।
को जी माशाल्लाह हम लोगों ने नहला दिया, आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा हो गया। ये चेक करो जी, अभी भाई भी नहाने लग गया तो फिर निकलता जी घर की तरफ। अलहमदुल्ला जी अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके तो पहुंच चुका जी अपनी पुरानी हवेली में। तो इधर जी पहले अलहमदुल्ला जी दो रेंगे हुआ करती थी, दो दरख्त एक इधर था और एक इधर, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हम लोगों ने काट दिया, ये भी हम लोगों ने काट दिया, दोनों तरेंगे जी हम लोगों ने काट दी। उसकी वजह ये थी कि जो सूख गई थी, मतलब कि इसके ऊपर जी फल वगैरह बनी आता था तो हम लोगों ने काट दी और अब ये बालन के तौर पर इस्तेमाल होगी घर में जी चूल्हे के इस्तेमाल के लिए। बाकी जी इधर जी खुली वगैरह भी हम लोगों ने बनाई थी ताकि जो आसपास के लोग जी जानवर बांधते हैं वो जी खुली में चारा डाल के तो जानवर को डाल सके, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं करा दी ये मिट्टी। अब फिर हम लोग जिधर न्यू तैयार करेंगे आगे गर्मियों के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी तिरंग और ये भी दोनों तिरंगे हम लोगों ने काट दी है। बाकी ये जो पास वाला कार्ड है उस दोस्त की इधर ही थोड़ी सी बजरी वगैरह पड़ी हुई है, ये भी जी ले जाएगा और जी इधर से अपना काम वो जी खत्म कर लेगा। रेत वगैरह भी थी वो भी ले गया, अभी बजरी है ये भी जी ले जाएगा। बाकी इस हवेली में हम लोग ये अभी कुछ नहीं करते, जो आसपास हम सही है वो जी हमारे इधर अपने जानवर वगैरह बांधते हैं। ये देखो इन्होंने बांधे हुए हैं, ये इधर भी ये इनके भी। हाँ आ गया किया किसो ले आ तो पकार हो जा खुले नाला मनु खवा नाले। हाँ आहो तस्वीर खिंच ले, चल खींच लिए तस्वीर, दौड़ जा। अलहमदुल्ला जी शाम का सूरज जी ग्रूब हो रहा माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये चेक करो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये ग्रूब हो जाएगा। और इधर छत पे आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने गोए वगैरह बनाए थे ये जी मुकम्मल तौर पर सूख गया, तो हम लोगों ने इनको जी अलग अलग कर दिया ताकि एक धूप लगे तो फिर हम लोग इनको जी नीचे ले जाएंगे। ये चेक करो तकरीबन 400-500 के करीब ऊपर है, बाकी इधर भी 100-150 के, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इधर है। ये चेक करो जी कितने ज्यादा हमारे पास जी गोए है जी, तो ये हम लोग सारे जी एक दो दिन तक जी इनको नीचे उतार लेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो इनको उल्टा किया तो इनमें जी अभी नमी वगैरह है, मतलब कि अभी गीले वगैरह है तो एक दो धूप लगेगी तो ये मुकम्मल तौर पर सूख जाएगी। आज भी तकरीबन अच्छी खासी धूप आई थी तो इनको धूप लगी, तो ये माशाल्लाह जी कड़क हो गया, अभी एक दो धूप और लगाएंगे तो ये जी मुकम्मल तौर पर सूख जाएंगे। फिर जी हम लोग इनको स्टोर रूम में इधर जी इकट्ठे कर लेंगे माशाल्लाह जी। ये चेक करो इधर भी वो जी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है जी। बाकी जी इधर आप लोग देख सकते हैं जो चूल्हा इसके पास है जी, पराली वगैरह खत्म हो गया ये वाली भोसा जी रोटी पकाने के लिए, तो अभी चंद मिनटों में मैं इधर से भोसा लूँगा, मतलब एक गट्ठा लूँगा और उधर जी रख देगा ताकि सुबह जी सैडी के लिए जो रोटी वगैरह बनानी होती है उसके लिए जी बाद में जी परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह सुबह को जी नमी वगैरह होती है और इधर से फिर जी भोसा निकालना और जी बाद में भोसा भी नमी होता मतलब गीला होता, तो अभी उधर रखते हैं उनको जी डाल देते हैं तो सुबह आसानी से जी माशाल्लाह रोटी वगैरह भी बन जाएगी। तो अलहमदुल्ला जी आज का व्लॉग इधर ही करता है खत्म, और मुझे कमेंट में ला देता हूँ आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन दबा दी ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।